हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं सर्वाइवल ऑन क्राफ्ट। एंड फाइनली यार, जैसे कि आप सभी ने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा कि हम लोग अपने फ्रेंड की राफ्ट में थे। एंड लिटरली गाइस, उनकी राफ्ट इतनी ज़्यादा बड़ी थी, तो मेरा प्लान है कि हम लोग भी जो है ना अपनी राफ्ट उतनी बड़ी बनाएं। बट आज जो है ना गाइस, सबसे पहले तो अपने को काफ़ी ज़्यादा काम करना है कि अपने को जो है ना अपनी राफ्ट को सबसे बड़ा पहले एक्सपेंड करना है। एंड उसके बाद अपने को जो है ना जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने के लिए वेजिटेबल्स ग्रो कर पाएँ उतना अपना प्रॉफिट होगा। क्योंकि यार, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोग वेजिटेबल्स खा रहे थे तो अपना फूड लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था एंड वाटर लेवल भी अपने को काफ़ी अच्छा मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो, जितना भी अपने पास रिसोर्सेज है उससे मैं सबसे पहले तो अपना राफ्ट को एक्सपेंड करूँगा। एंड उसके बाद जो है ना हम लोग लगाने वाले हैं सीडेबल, क्योंकि वहाँ पे अपन लोग काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो चलो मैं फटाफट से जो है ना अपनी राफ्ट को करता हूँ एक्सपेंड। एंड यहाँ पे अपना रिसोर्सेज ख़त्म हो चुका है, तो मैंने फटाफट से रिसोर्सेज कलेक्ट करा। एंड उसके बाद हम लोगों ने जो है ना अपनी राफ्ट काफ़ी बड़ा बना दिया है। तो मेरा प्लान है सबसे पहले जो है ना हम लोग यहाँ पे बना दें सीडेबल, कम से कम काफ़ी ज़्यादा बनाऊँगा। बट उससे पहले मेरा प्लान है ना, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं अपने के लिए ग्रिल, जिसमें हम लोग अपने के लिए खाना वगैरह काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कुक कर सकें। तो वहाँ पे हम लोग ग्रिल लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं सीडेबल। तो आप लोगों को दिखाता हूँ यार कि इनसे जो है ना अपने को कितना फूड लेवल मिलता है एंड कितना वाटर लेवल मिलता है। तो मैंने यहाँ पे अपने पास कैरेट्स पकड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग कैरेट खाते हैं एंड इससे लगभग अपने को 10% वाटर मिल रहा है एंड 25% फूड। तो भाई ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड अपने को सीड्स वगैरह यहाँ पे इजीली मिल जाता है, अपने को बस बॉक्सेस से कलेक्ट करना है एंड वहाँ पे से अपने को सीड वगैरह मिलेगा। तो चलो यार, अभी अपन लोग बनाते हैं यहाँ पे सीडेबल। तो जितना यहाँ पे मैं बना सकता हूँ दो रो में उतने हम लोग बना लेंगे। बस यार, अपने पास क्ले हो डर्ट होना चाहिए, अगर डट होगा तो हम लोग यहाँ पे सीड्स वगैरह इजीली लगा सकते हैं। चलो भाई, मेरे में रिसोर्सेस थोड़ा सा कम पड़ चुका है, अपने पास रग नहीं है। तो मैं फटाफट से अंदर चलता हूँ एंड क्लॉथ वगैरह लेके आता हूँ। जैसे ही अपने पास क्लॉथ होगा तो फटाफट से हम लोग वहाँ पे जो है ना सीडेबल लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी हमको लगभग 4 चाहिए, आई थिंक उतना रिसोर्सेस तो होगा अपने पास। तो फटाफट से जो है ना हम लोग 4 यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ठीक है गाइज, अपने सारे के सारे सीडेबल्स बन के रेडी हो चुके हैं एंड मुझे जो है ना सबसे पहले तो यहाँ पे चाहिए डर्ट। तो मैं सारे के सारे बॉक्सेस में चेकआउट करता हूँ एंड किसी ना किसी बॉक्सेस में अपने को डर्ट तो ईजिली मिल जाएगा। एंड जितने अपने पास सीड्स हैं वो भी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ है, मुझे नहीं पता वो डर्ट है या फिर सीड्स हैं, बट कुछ ना कुछ तो है। तो चलो गाइज, अभी अपने पास ज़्यादा नहीं है, मे बी कम ही होगा, बट मैं एक बार ही चेकआउट करता हूँ कौन सा डर्ट है। ओके गाइज, लगभग अपने पास डर्ट जो है ना 5 है, तो मैं अपने 5 सीडेबल को इजीली भर सकता हूँ। बट अभी के लिए काफ़ी है, बट यहाँ पे अपनी पोर्ट में सार्क ने अटैक किया है। अरे भाई यहाँ पे, बट मेरे को फटाफट से स्पीयर बनाना होगा, भगाओ इसको नहीं तो ये अपना राफ्ट तोड़ देगा। निकल चलो गाइज, जा चुकी है। एंड आप लोग बोल रहे हो कि भाई क्यों ये सार्कों को भगा रहा है, मारता क्यों नहीं है। बट यार, हमें मारने के लिए ना मेटल वाले स्पेयर चाहिए, जो कि अभी अपना अनलॉक नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे हमारा लेवल अप होगा तो अपने नई नई रेसिपीज़ वगैरह अनलॉक होंगी, तो अपन लोग ईजिली कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस, जितना अपने पास जट था वो सारे के सारे मैंने सीडेबल्स में भर लिए हैं। तो अभी मैंने क्रॉप्स वगैरह तो ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मेरे पास जितने सीड्स हैं तो हम लोग फटाफट से यार सीड वगैरह प्लांट करते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोगों के पास जितने सीडेबल थे मैंने उसमें सारे के सारे सीड्स वगैरह तो प्लांट कर लिए हैं। एंड अभी जो है ना अपने को बनाना है अपने के लिए ग्रिल। तो देखते हैं ग्रिल बनाने के लिए अपने को कितना सामान चाहिए, बट उससे पहले जो है ना मैं थोड़ा सा अपने के लिए सामान वगैरह कलेक्ट करता हूँ। भाई हेलीकॉप्टर आया, बट यार मेरे पास जो ना फ्लेयर गन नहीं है एंड मुझे देखना था कि अपने को जो है ना ये क्या लूट देता है। वैसे अगर फ्लेयर गन मिलेगा एक बार यूज़ तो हम लोग ज़रूर करेंगे। तो चलो यार, अभी हम लोग थोड़ा सा अपने को रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। वैसे मेरे को ग्रिल बनाना है, बट मेरे को ग्रिल बनाने के लिए थोड़ा सा रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है,
क्योंकि इनसे अपने को मिलता है सी वीड, जिससे आप लोग बनाते हैं अपने के लिए रोप। सी वीड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज अभी अपना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड मुझे बनाना है यहाँ पे अपने के लिए ग्रिल। भाई ग्रिल तो अभी अनलॉक हुआ ही नहीं अपना, तो चलो गाइज ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं दो बॉक्सेस जिससे हम लोग ओनली ट्रेड करने का सामान रखेंगे। मतलब आज जो है ना अपने को मर्चेंट शिप को रोकना है एंड उससे हम लोग ट्रेड भी करने वाले हैं, और मुझे ट्रेड करने के लिए वो सामान लेना है जिससे अपने के लिए बिल वे का रेसिपी अनलॉक होगा। तो उसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए एंड वो रिसोर्सेज हमें मर्चेंट शिप से ही मिलेगा। तो ठीक है यार, जितना भी अपना सामान है ना वो सारा का सारा मैं यहाँ पे रख लूँगा। तो मेरे को जो है ना सबसे पहले तो सेल करना है स्क्रैप एंड उसके बाद दूसरा क्या है रग, जो कि अपने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है रिसोर्सेज कलेक्ट करने से। तो यहाँ पे देखो गाइस ये बेट क्या है, मुझे नहीं पता ये बेट क्या चीज़ है, आई थिंक कुछ ना कुछ तो होगा बट इसको हम लोग बाद में बनाएंगे। उसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा फिश चाहिए एंड ये पिकेक्स ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है बट उसको बना के अभी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक बिल वे नहीं बनेगा, क्योंकि अपने को फार्म करना है एंड फार्म तभी हम लोग कर पाएंगे जब अपने पास विल वे होगा एंड हम लोग आइलैंड में एक्सप्लोर करने के लिए चलेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने के लिए थोड़ा सा यार ग्रिल लगाता हूँ जिसमें मैं अपने के लिए काफ़ी ज़्यादा खाना कुक कर सकता हूँ। तो ओके गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ग्रिल वगैरह लगाई एंड सबसे पहले तो मैं जो है ना इसके अंदर डालता हूँ वुड। तो लगभग गाइस यहाँ पे हम लोग तीन सेक्शन में वुड वगैरह डाल सक रहे हैं, तो कम से कम तीन फिश तो अपने को हम लोग अपने के लिए एक ही बार में कुक कर सकते हैं। तो मेरे पास जितनी भी फिश थी मैं यहाँ पे लेके आया, फटाफट से फिश रखते हैं। तो जी हाँ गाइस यहाँ पे हम लोगों ने तीन फिश रखी, तीनों की तीनों फिश जो है ना एक साथ कुक हो रहा है। एक फिश और लेके चलता हूँ एंड ये भी लगाने का ट्राई करूँगा, मे बी चार फिश यहाँ पे कुक हो पाए नहीं। तो हाँ गाइस यहाँ पे हम लोग एक बारी में से लगभग तीन ही फिश कुक कर सकते हैं, बट यार अपना वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है तो फटाफट से यार हम लोग जो है ना वाटर लेवल इंक्रीज करने के लिए जितना भी अपना ये वाटर मेकर है उसमें हम लोग पानी वगैरह बनाते हैं, अपना वाटर लेवल फुल करेंगे, फिर मिलता हूँ मैं आपको बाद में। तो अभी बस यही काम चलेगा मेरा कुछ देर तक, वो काम करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने पानी वगैरह फुल किया एंड यहाँ देखो जहाँ पे मैंने ग्रिल लगाया ना सार्क अपना वहीं पे अटैक करता, बेटर निकल जा। अभी मैं एक बारी मेटल स्पीयर बना दूँ ना तब इसको हम लोग बताएंगे। तो गाइज यहाँ पे जो है ना अभी अपना हुक वगैरह टूट चुका है तो मैंने फटाफट से यहाँ पे अपने के लिए हुक वगैरह बनाया एंड ये मेटल फिशिंग रॉड का क्या यूज है। तो चलो गाइज आज हम लोग मेटल फिशिंग रॉड बना के देखते हैं इनसे अपने को कौन सी इतनी स्पेशल फिश मिलती है। तो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिशिंग वगैरह करता हूँ एंड अब आएगा ना मज़ा, देखते हैं कोई स्पेशल फिश मिलेगी तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। बट यार मुझे तो लग रहा है काफ़ी बड़ी फिश है, मतलब कंट्रोल में आ ही नहीं रहा ये। ओके ओके कंट्रोल आ गया, कंट्रोल आ गया। चलो यार इसको फटाफट से ऊपर खींचो। तो भाई ये पे सी बेस, सी बेस कौन सी फिश है, मैंने तो ये अभी तक नाम नहीं सुना। वैसे हम लोग जब नॉर्मल फिशिंग रॉड से पकड़ रहे थे तब ये नहीं आई थी, ये कुछ ज़्यादा तकड़ी है। टूना भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगी फिश है, मतलब हम लोग जो मेटल की फिशिंग रॉड है ना उससे हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी फिशेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी यार जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने के फिश वगैरह फार्म करूँगा कर लेता हूँ। भाई ये तो पूरे आउट ऑफ कंट्रोल है, ये कंट्रोल में नहीं आ रही है। आजा बेटे आजा आराम से। ओ क्या नहीं 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 यार, तो यार ये तो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है इस फिश को पकड़ना एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये टूना ही होगी या फिर सी बेस होगी। अरे नहीं ये तो खतरनाक फिश है। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने काफ़ी देर तक फिशिंग वगैरह करी एंड उसके बाद जब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फिश हो गया तो मैं यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करने लगा एंड तब तक यहाँ पे आ चुका था हेलीकॉप्टर। देखो आ गया हेलीकॉप्टर एंड यहाँ पे यार अपने बोट में सार्क ने अटैक किया, किधर पता निकल जाए यहाँ से, मेरी बोट में छोड़ना तो निकल निकल। ओके सबसे पहले ये रिसोर्सेज कलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग चलाने वाले हैं यहाँ पे फ्लेयर।
अपने को चाहिए इसका लूट। इसको आने दो। चलो ठीक है गाइस, अब हम लोग फायर करेंगे। देखते हैं गाइस कलेक्ट करके इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा। चलो फटाफट से मैं हुक फेंकता हूँ। ओके यहाँ पे लूट आया। वैसे यार यहाँ पे अपने को दो वाटर बॉटल्स मिले, 3 कैरेट्स मिले एंड 2 कैनन मीट। तो ठीक है, अपने को बस सर्वाइवल का रिसोर्सेज मिला, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज नहीं मिला जिनसे हम लोग अपने के लिए ब्लूप्रिंट्स अनलॉक कर सकें। तो ये सारा का सारा सामान यहाँ पे रखता हूँ, कभी इमरजेंसी में काम आएगा। नॉर्मली इसको ही हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, जब हम लोग थोड़ा सा आइलैंड वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं चलेंगे तो ये खाना हम लोग कब यूज़ करेंगे। यार मेरा वाटर लेवल दोबारा से कम हो गया है तो मुझे जो है ना अभी बस वही प्रोसेस दोबारा से करना होगा। मुझे एक यार रेन कैचर भी चाहिए, अगर रेन होगा तो हम लोग बारिश का पानी ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। अरे भाई यहाँ पर मर्चेंट शिप आया एंड अभी अपने को थोड़ा सा यार ट्रेड करना है, तो देखते हैं हम लोग ट्रेड वगैरह क्या क्या करेंगे एंड मज़ा आएगा ट्रेड करने में। आ रहा है मर्चेंट शिप एंड मेरे पास यार ट्रेड करने के लिए मेरे पास मेटल के स्क्रैप्स काफ़ी ज़्यादा हैं एंड रक काफ़ी ज़्यादा हैं, तो देखते हैं वो चीज़ हम लोग सेल आउट करेंगे। ओके यार यहाँ पे आ चुका है ये मर्चेंट शिप, तो चलते हैं अंदर एंड ट्रेड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइस देखता हूँ। अबे भाई रग का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो चलो यार हम लोग फटाफट से जितना हमारे पास रग है वो हम लोग लेके आते हैं एंड वो यहाँ पे हम सेल आउट करेंगे। और मुझे वो रिसोर्सेज बाय कर रहे हैं जिससे हम लोग बनाएंगे बिलवे। तो भाई रग अपने पास काफ़ी ज़्यादा है, सारा हम लोग लेके चलेंगे। तो ठीक है गाइस, जितना भी अपने पास रख था सारा का सारा मैंने उठा लिया है, तो ये हम लोग सेल आउट करते हैं। देखते हैं अपने को कितना पल्स मिलता है इससे। भाई बेचना किधर है इसको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसको बेचना किधर है। तो ठीक है, ये तो हमें प्राइस पता चल चुका है बट बेचना किधर है, यहाँ पे भी नहीं है। अरे भाई ये तो नहीं चाहिए अपने को। अरे कहीं ये बॉक्स तो नहीं है क्या? मुझे लगता है गाइस यही बॉक्स है। तो सारे का सारा हम लोग जितने भी अपने पास रग है वो हम लोग इस बॉक्स में रखते हैं एंड देखते हैं गाइस कितना अपने को पल्स देता है। लगभग 2000 पल्स मिलेंगे एंड अपने को जो है ना यहाँ पे क्या क्या सामान बाय करना है। अरे भाई राफ्ट, अपनी राफ्ट में कोई अटैक किया। भाई ऐसे क्यों होता है, मतलब जहीं पे भी मैं सामान लगाता हूँ उनके साथ वही काटा है। भाई इसको अब सिखाना पड़ेगा अच्छे से। बट कोई नहीं गाइस, अभी ये तो यहाँ पे से निकल चुकी है और हम लोग देखते हैं अभी अपने को जो है ना बिल वे के लिए क्या क्या सामान बाय करना है। एक तो अम्ब्रेला बाय करना होगा, प्रिंटर बाय करना होगा, बट मैं एक बारी देख लेता हूँ। चलो गाइस सबसे पहले हम लोग ब्लूप्रिंट्स में चलते हैं एंड मुझे को चाहिए बिलवे का। बिलवे किधर है? ओके गाइस ये रहा। तो देखो माइक्रोवेव ओवन चाहिए जो कि मेरे पास है, मॉनिटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, रेडियो नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है। तो लगभग गाइस अपने को मॉनिटर, प्रिंटर, रेडियो एंड अम्ब्रेला, 4 चीज़ चाहिए तो बाय करते हैं। ये तो अभी नहीं चाहिए, प्रिंटर चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए। ओके अम्ब्रेला चाहिए, अम्ब्रेला भी बाय कर लिया है। लिफ्ट बटन चाहिए तो नहीं बट अपने पास यार पल्स हैं तो हम लोग बाय कर लेते हैं, ब्लूप्रिंट अनलॉक हो जाएगा। आप देखते हैं जरा यहाँ पे अपन लोगों का बिल वे वाले जगह में दिखा है जो हम लोगों ने सामान वगैरह बाय किया है।
वो देखते तब देखेंगे उसके बाद। कहाँ है बिल भाई? ओके गाइस ये रहा। तो ठीक है, ये रेसिपी अनलॉक करने के लिए जितना भी इसका इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो अपने बैकपैक में होना चाहिए, तभी जो है ना इसका रेसिपी अनलॉक होगा। तो अभी मेरे को ना रेडियो बाय करना है। ये मॉनिटर है, आई थिंक मॉनिटर है। ओके मॉनिटर भी यार चाहिए अपने को, बस अभी यहाँ पे अपने पास रेडियो नहीं है। जब कोई दूसरा ट्रेडर आएगा उससे हम लोग बाय करेंगे। तो भाई हमारे पास जितना भी ट्रेडर के पास इंपॉर्टेंट सामान था सारे का सारा बाय किया। एंड आज की वीडियो यार हम लोग बस यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि आज यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। एंड अभी अपने पास ना रेडियो वो नहीं है, रेडियो जब नेक्स्ट टाइम मर्चेंट आएगा तो हम लोग रेडियो वगैरह बाय करेंगे। एंड अभी कर लेते हैं इसको हम लोग टाटा बाय बाय। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। एंड ट्रेड करके यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड अभी हम लोग इसको करते हैं गुड बाय। एंड साथ के साथ हम लोग भी वीडियो को करते हैं गुड बाय। चल बेटा निकल। तो ठीक है ट्रेड कंप्लीट, एंड ये भी जा चुका है और हम लोग भी जाते हैं। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। एंड इसका वीडियो काफ़ी जल्दी आएगा, सीरीज को आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो उसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।